अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटोर। मैं कुंदन लुणागरिया स्वागत करती हूँ आपका स्टैटिक जीके के इस वीडियो सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। सो फ्रेंड्स, उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं उनकी आसान ट्रिक मैं इस वीडियो के दौरान लेके आई हूँ। और इस वीडियो के एंडिंग में मैंने क्विज भी डाले हैं, हम क्विज की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक देखेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिया है। आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनका शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग उनको याद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक विश्व के देशों के बीच एक व्यापार के संदर्भ में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सेकेंड है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये विश्व पर्यटन संगठन है। ये विश्व में पर्यटन संबंधित देखरेख करती है। थर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव विकसित करने की संस्था है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये OECD 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1916 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने की हेतु में बनाई गई थी। फिफ्थ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, FAO। आपको ये पता चल गया होगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्यापन करता है। सिक्स है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन काम की दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानव तय करती है, काम की जगह पर अधिकार को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो रेडियो और दूरसंचार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। ये भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। UNODC को 1997 में पिछले संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के संयोजन में संयुक्त राष्ट्र सुधार के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। ये ड्रग और क्राइम कंट्रोल को नियंत्रित करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषक एजेंसी है जो गरीबी कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। सो ये था 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आइए जानते हैं पूरी लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बिगेस्ट हेडक्वार्टर है जिनीवा, जो लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। आइए जानते हैं जिनीवा में कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
Union for International Cancer Control, International Parliament Union, International Committee of Red Cross, International Telecommunication Union, International Organization for Migration, World Meteorological Organization, International Standards Organization, International World Intellectual Property Organization, International Civil Defense Organization, and International Road Transport Union. So friends, ये 15 organization को कैसे याद कर सकते हैं? वो जानते हैं आसान ट्रिक. उनका मैंने कुछ छोटी सी स्टोरी बनाई है. WTO एंड WHO ने WEF के साथ मिलकर ट्रेड एंड डेवलपमेंट में लेबर्स के कैंसर को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट यूनियन रेड क्रॉस ने जिनीवा से टेलीकम्युनिकेट किया, जिसमें माइग्रेट को रोकने, मेटेरोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने सिविल डिफेंस रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन किया. फ्रेंड्स, आप ये आसान ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको ये 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो याद रह जाएगा. और ये 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किधर लोकेटेड है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड. आपको वो भी याद कर सकते हैं कि जितने भी वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड इकोनॉमिक, वर्ल्ड नेशंस, वो सब उनका हेडक्वार्टर है जिनीवा. और आपको ये स्टोरी याद रह गई तो आपको ये 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद रह जाएगा. नेक्स्ट हेडक्वार्टर है पेरिस, जो लोकेटेड है फ्रांस. आइए जानते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, थर्ड इंटरनेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड लास्ट यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO. ये 6 ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम याद कर सकते हैं? आइए जानते हैं उनका ट्रिक. इंटरनेशनल एनर्जी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पेरिस में एजुकेशनल एंड साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया. अब इस शॉर्ट ट्रिक में आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करना है उनको. इंटरनेशनल एनर्जी एंड यूरोपियन स्पेस, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ गई, के साथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन याद रह गया आपको. नेक्स्ट है कॉरपोरेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पेरिस में एजुकेशनल और साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो फ्रेंड्स, आपको ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर थे. फर्स्ट जिनीवा, जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, उनका 15 ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड पेरिस, जो लोकेटेड है फ्रांस, उनका 6 ऑर्गेनाइजेशन. आपको वो 2 ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी वाइज याद रह गया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. थर्ड ऑर्गेनाइजेशन द हेग, जो नेदरलैंड में लोकेटेड है, उनका 3 ऑर्गेनाइजेशन है. फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इंटरनेशनल क्रिमिनल हेग को प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल एक्ट के अंडर इंटरनेशनल कोर्ट में पेश किया गया. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडक्वार्टर है वेइना, जो लोकेटेड है ऑस्ट्रिया. उनका 4 ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, OPEC, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये. यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम, इंडस्ट्रियल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA. ये 4 ऑर्गेनाइजेशन को कैसे याद करेंगे? वेइना की पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस को ड्रग्स और एटॉमिक एनर्जी को इंडस्ट्रियल लेवल पर बैन करने के लिए लेटर लिखा. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये स्टोरी से आप ये 4 ऑर्गेनाइजेशन याद कर सकते हो. नेक्स्ट हेडक्वार्टर है लंडन, यूनाइटेड किंगडम. उनका 3 ऑर्गेनाइजेशन है. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. उनकी स्टोरी है, आई एम कॉमन पर्सन ऑफ लंडन हु गॉट अ प्लेस इन इंटरनेशनल मेरिट लिस्ट ऑफ वेल्थी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. 5 ऑर्गेनाइजेशन है. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्कूल, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस वुमेन,
उनकी स्टोरी है, यूएसए में न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन ने यूनाइटेड होकर अपने पर्सनल अकाउंट से स्कूल के चिल्ड्रंस और वुमेन्स के इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में लोकेटेड है। 3 ऑर्गेनाइजेशन है उनका, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन। उनकी स्टोरी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रुसेल्स में NATO और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। उनका 7 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। उनका स्टोरी है, वर्ल्ड बैंक ने वॉशिंगटन DC के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से सॉफ्ट लोन दिया। लोन के अगेंस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन ने सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को मल्टी गारंटी दी है। सो फ्रेंड्स, जितने भी इन लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे खत्म होती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्विज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन इज एट, विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? उनका ऑप्शन है वियना, न्यूयॉर्क, रोम या जिनीवा, और उनका सही ऑप्शन है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO? उनका ऑप्शन है न्यूयॉर्क US, पेरिस फ्रांस, जिनीवा स्विट्जरलैंड या वियना ऑस्ट्रिया, और उनका सही ऑप्शन है जिनीवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? उनका ऑप्शन है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, डॉक्टर अलन बोलार्ड, किटेक लिम, जोस एंजल गुरिया, और उनका सही ऑप्शन है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC? उनका ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम, दुबई UAE या सिंगापुर या जकार्ता इंडोनेशिया, और उनका सही ऑप्शन है दुबई UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? उनका ऑप्शन है वेना ऑस्ट्रिया, लंदन UK, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और उनका सही ऑप्शन है लंदन UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? उनका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनीवा, रोम या टोक्यो, और उनका सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज एट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? और उनका ऑप्शन है टोक्यो, नैरोबी, न्यूयॉर्क या जिनीवा, और उनका सही ऑप्शन है नैरोबी, जो केनिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स इज एट, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? उनका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, नैरोबी, वेना या जिनीवा, और उनका सही ऑप्शन है वेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इज एट, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, उनका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मैक्सिको, वेना या जिनीवा, और आप सभी को पता है उनका सही आंसर है जिनीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट जनरली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आमतौर पर पहली बार मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या था? उनका ऑप्शन है लीग ऑफ नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द रहीने, और उनका सही ऑप्शन है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द रहीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organizations works towards ending grave abuses of human rights? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव अधिकार के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने की दिशा में काम करता है? उनका ऑप्शन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस,
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उनका ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आइए उनका ऑप्शन जानते हैं. मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह या कृष्णा मेनन? और उनका सही ऑप्शन है मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द स्कीम पार्टनरशिप फॉर पीस फॉर अ ग्रुप ऑफ नेशंस? उनका ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU? और उनका सही ऑप्शन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, जो स्कीम ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पीस के ग्रुप ऑफ नेशंस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन? वेना, पेरिस, हैग या जिनीवा? और उनका सही ऑप्शन है जिनीवा. जिनीवा में रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल मीन्स, इंटरपोल का मतलब क्या है? उनका ऑप्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर या नन ऑफ दिस? और उनका ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, इज लोकेटेड एट? न्यूयॉर्क, रोम, जिनीवा या लंदन? और उनका सही ऑप्शन है जिनीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन इज एट? यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, रोम, जिनीवा या बन? और उनका सही ऑप्शन है बन, जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए. थैंक यू. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.